गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज आम गोटे नुआ सेट मैथमेटिक्स रो एक्सरसाइज करवा जोटा कि आम रिभाइज करवा से सेटा हूँ 6 जून 2019 बैच 4 रो। तो आप सबु सीटी रो जहाँ 2018 2017 2019 सबुर रिविजन करी जहाद्वारा कि आप बहुत भल मार्क रखिपर सीटी एग्जाम रे। तो तेणुक आपण मैंने मो भिड को देखापी सब्सक्राइब बटन में क्लिक करूँ आउ बेल आइकन प्रेस करूँ। तो बेसी आउ कथा न होगी आगू बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 रो क्वेश्चन थिला 6 मीटर पार्श्व विशिष्ट एक वर्ग क्षेत्र मध्य रे एक वृत्त अंकित होई वर्ग क्षेत्र वृत्त मध्य रे क्षेत्रफल केते। ठीक अच्छे तो क्वेश्चन जदि ए भला अछि तो माने कोन गोटे वर्ग क्षेत्र अछि जहार पार्श्व होउछि 6 मीटर। ओके तो यहाँ है गोटे वर्गचित्र। तो ये वर्गचित्र यही पार्श्व मानने सबु दर्घ्य आप जानते हैं 6 मीटर बोली तो यहाँ भी 6 मीटर ये जीवो। तो या मध्य गोटे वृत्त अंकित हो वृत्त अंकित होगा बेले ना सबु बेले ये तो साइड को लगी थाए चित्र टी भूल कि बुझी जातु एपटे भी लगे एपटे भी लगे। तो ये प्रश्न पचार वर्गचित्र और वृत्त मध्यर क्षेत्रफल केते। ठीक अच्छे वर्गचित्र वृत्त मध्यर क्षेत्रफल केते माने प्रोबेबली से आपण को एटा पचारी जो जगटा मुझे गार दौर तो ये जगटा पचारी। तो आपन को प्रथम वृत्तर क्षेत्रफल काढ़ सरी वर्गचित्र क्षेत्रफल काढ़े ता सहित वृत्तर क्षेत्रफल काढ़े दुटा जाक जब माइनस करदे आपन को आंसर मिल जाव। सो लेट्स फाइंड आउट केमती काढ़े ना प्रथम वर्गचित्र क्षेत्रफल वर्ग चित्र वर्गचित्र क्षेत्रफल वर्गचित्र क्षेत्रफल फर्मूला कौन फर्मूला हूँ बाहू गुणन बाहू बाहूर स्क्वायर बा ए स्क्वायर। तो ये बाहू के बाहू होगा 6 स्क्वायर मान के 36 वर्ग मीटर 36 वर्ग मीटर होगा वर्गचित्र। तापर आम जान वृत्तर क्षेत्रफल वृत्तर क्षेत्रफल जानापी आमको जाना पड़ो वृत्तर व्यासार्ध के तो वृत्तर व्यासार्ध के टोटाल व्यास कारण ये दीपट को लगी तो से व्यास हम मैं ये ऊपरटा के तो यहाँ भी के तो मान व्यास होगा 6 व्यासार्ध के व्यासार्ध हो 6 अधा के तो वर्तमान व्यासार्ध मान आर इक्वाल्स टू 3 आर फॉर रेडियस रेडियस इक्वाल्स टू 3 मीटर। ओके तो वर्तमान आम वृत्तर क्षेत्रफल काढ़ वृत्तर क्षेत्रफल वृत्तर क्षेत्रफल इज इक्वाल्स टू पाय आर स्क्वायर पाय के 22/7 आर स्क्वायर माने के 3 स्क्वायर। ठीक अच्छे पाय आर स्क्वायर बाईटा को आम जब 22/7 न करी 22/7 न करी मुझे से पायटा पाय ही रखुची आईटा हो 3 स्क्वायर माने 3 स्क्वायर के 9 तो यहाँ हो गला आंसर 9 पाय वृत्तर क्षेत्रफल 9 पाय। तो वर्तमान मत कौन करार अच्छी जे यार क्षेत्रफल तो कौन कौन करी ना वर्गचित्र क्षेत्रफल रु वृत्तर क्षेत्रफल मुझे फेड़ाण करी वर्गचित्र क्षेत्रफल के 36 - 9 पाय 36 - 9 पाय या तो किसी करहबनी तो ए आंसर अच्छे कि ना तो कौन कर पड़ो ना ये जगह मुझे कमन नहीं पारि कौन कमन नहीं पारि ना 9 कमन नहीं पारि। अच्छा मुझे जब 9 कमन नहीं गली तो ये के 4 - पाय ये 9 पड़ेगा तो 4 - पाय स्क्वायर मीटर यहाँ हूँ आंसर स्क्वायर मीटर हूँ आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर ए रे यार आंसर अच्छी बुझिपारे। आमर क्वेश्चन नंबर 47 जीबा तो क्वेश्चन नंबर 47 बा आमर क्वेश्चन नंबर हूँ 2 कौन अच्छी देखा क्वेश्चन 47 क्वेश्चन रे दीटा सेट दे जदि ए सेट सेट ए इज इक्वल्स टू यार उपादान अच्छे 1, 2, 3, 5, 7 तापर बी सेट अच्छी बी सेट रो उपादान गुड़िक 1, 5, 6, 8। ठीक अच्छे तो ये प्रश्न पचार ए माइनस बी के तो ए माइनस बी कौन माने ए सेट माइनस बी सेट कौन यार आंसर हो
यार आंसर हूँ माने ए सेट्रे एमती कौन अच्छी जोटा बी सेट्रे ना ए सेट्रे एमती कौन अच्छी जोटा बी सेट्रे ना ठीक अच्छे ए सेट्रे एमती कौन अच्छी जोटा बी सेट्रे ना तो ए से बी सेट्रे वन अच्छी ए सेट्रे भी अच्छी एटी पाँच अच्छी एटी भी पाँच अच्छी माने ए माइनस बी यार अर्थ हो ए सेट्रे कौन रहिबो एक्स्ट्रा ठीक अच्छे एटा देखंतु आपणकर मुझे लिखिद ए माइनस बी इज इक्वल्स टू कौन कौन एटा आपणकर अच्छी एटा आपणकर अच्छी आउ कौन कमन अच्छी आउ कमन अच्छी आउ किछि आपणकर कमन नाही तो जदि आउ किछि आपणकर कमन नाही ताले बळीगला कौन ए सेट्रे दुई तीन सात तो ए माइनस इक्वल्स टू दुई तीन सात ठीक अच्छे जदि आपणकर एटा ठीक उल्टा दे थांता बी माइनस ए ताले बी सेट्रे कौन अच्छी जोटा ए सेट्रे ना ताले आपणकर आंसर हे थांता छ आउ आठ किंतु एठी ए माइनस बी दे माने एटा आंसर हे जिवो आउ ऑप्शन नंबर सी रे यार आंसर अच्छे ठीक अच्छे तो वर्तमान आम जीवा क्वेश्चन नंबर 48 को क्वेश्चन नंबर 48 बा आम क्वेश्चन होची 3 तो 48 नंबर क्वेश्चन रे कौन अच्छी ना ए सेट एक्स मोड़िया रे पढ़ुची प्रश्न एक्स सेट को वाई सेट रो एक उपयुक्त सेट कहा जीवो एक्स सेट को वाई सेट रो एक उपसेट कहा जीवो उपयुक्त उपसेट कहा जीवो जदि कौन एठी देछि भलसे बुझंतु एक्स सेट को वाई सेट रो एक उपसेट कहा जीवो माने एक्स होची वाई रो गोटे सबसेट एक्स होची वाई रो गोटे सबसेट एमती एक्स इज ए सबसेट ऑफ वाई माने एटी वाई टा हला बड़ सेट तो एक्स टा हला सानो सेट वाई टा हला बड़ सेट एटा हला सानो सेट तो अब जदी ऑप्शन रे कौन अच्छी ऑप्शन ए रे आपन गर अच्छी एक्स एक्स इज ए सबसेट ऑफ वाई एंड x is not equals to y option b achi x is a subset equals to y and x is equals to y c x is a subset of y and y is a subset of x tapre d re achi x is a subset of y and x is not equals to y ठीक अच्छे तो प्रथमे आपन को दिया गला जे x इज ए सबसेट ऑफ y पुनी एठी इक्वल्स टू चिन्ह दे दिया गला इक्वल्स टू माने x जहा y भी सेया तो x जहा y भी जदी सेया हे गला ताल तो x इक्वल टू y हमें लिखि दवा कथा एंती लिखि दवा कथा x इक्वल्स टू y ताले x इक्वल टू x सबसेट ऑफ y कोन पई लिखिबे तो तेनु करी एटा हबनी तो एठी x इक्वल्स टू y दे देछि एठी भी हबनी ठीक अच्छे y सबसेट ऑफ x एठी दे दे छी माने एठी लिखा जाय छी हां एठी दीटा जिंस दे आइ छी ना x इज ए सबसेट ऑफ y तापरे y इज ए सबसेट ऑफ x माने एटा भी सेही x इक्वल्स टू y ही दे छी तो कोटा ठीक हबो मो मतरे ऑप्शन डी हो छी एठी राइट आंसर कोन पाई ना x सबसेट ऑफ y जोठी x इक्वल्स टू y हे नथिबो एग्जांपल जदी मु आपन को देबी माने धरि निहंतु आपनकर वाई सेट एटा वाई सेट रे अछि 1 2 3 4 ठीक अछि आ एक्स सेट रे अछि 1 आउ 2 ठीक अछि त मु एया लेखि परिबि जे एक्स इज ए सबसेट ऑफ वाई कारण एक्स वाई रो सब उपादान वर्तमान एक्स रे अछि ठीक अछि सेति पई ए तार सबसेट हे गला आ एठी कोन कंडीशन लेखा अछि एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वाई दिटा समान हेला कि जमा समान न ठीक अछि बुझि पटंती तो आंसर एठी ऑप्शन डी रे अछि आ आंसर हे गला ए गोटा का ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 49 को हमें सॉल्व करिबा तो क्वेश्चन नंबर 49 हमरो कोन अछि देखिबा ओडिया रे पढिबा जदि एक घनर प्रत्येक बाहु 40 सेंटीमीटर पर्यंत बढे दिया जाए तबे तहार सरफेस क्षेत्रर शतकड़ा रे केते वृद्धि हेथाय मु ए जिंसटा आपन को बुझैथिली माने कोन सरफेस एरिया रो फॉर्मूला मु आपन को ऑलरेडी बुझैथिली कोन कहैथिली देखंतु
ना यहाँ है गोटे सिलिंडर धरनी ये घन देखे मुझे सिलिंडर कहूँ ये सिलिंडर मानने सिलिंडर में केते पानी रही पार भर जिनसटा जदि मापार अच्छी ना तो से आम घन फल काढ़ किंतु ऊपर ये जो धला धला जिनसटा आप देखिपुंट ठीक अच्छे ये धला धला जिनस जोटा देखिपी उपरटा ये उपरटा ये सैडटा माने ये उपरटार माप जदि मापा तो सहीटाला सरफेस एरिया तो ये पचरा ये कौन पचरा जाए ना आपण को गोटे घन पदार्थ दि जाए घन पदार्थ मुझे गोटे चित्र अंकन करुच्ची भाया घन पदार्थ आपण को दि जाए यहाँ एमती जॉइंट करद तो ये वर्तमान गोटे घन पदार्थ हो गला घन पदार्थर सरफेस एरिया आम मापा अर्थात ये जो साइड गुड़ाक अच्छे से साइड गुड़ाक माप आम मापा ठीक अच्छे तो ये कौन कर घन मान यहाँ गोटे क्यूब गोटे वर्ग चित्र गोटे क्यूब होदि यही बाहूटा को मान प्रत्येक बाहू को आम 40% पर्यंत बढ़ेद आमर के बढ़ीज सरफेस एरिया अच्छा तो आप मन रखत सरफेस एरिया बा पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल ओडिया सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 6a² माने ये आप देखुं गोटे घन पदार्थ तो यार सरफेस एरिया हूँ 6a² यार सरफेस एरिया को मुझे गोटे एग्जांपल तरफ नहीं जाऊँगी लेट लेट आपण को लेट नहीं जाऊँगी बाहू यार बाहूर दैर्घ्य माने ए इक्वल्स टू मु 10 नहीं जाऊँगी आगुरु केते थिला एटा 10 थिला एटा भी 10 थिला एटा भी 10 थिला एटा भी 10 थिला सब एटा भी जेतिक बाहू आपण देखुछंती सब 10 10 सेंटीमीटर थिला ठीक अच्छे 10 सेंटीमीटर थिला तो सरफेस एरिया केते हेला सरफेस एरिया केते थिला ना 6a² 6 सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 6a² मतलब 6 × 10 रो स्क्वायर तो 6 × 10 रो स्क्वायर 100 तो ये वाला 600 घन सॉरी एटा क्षेत्रफल काटे घन हेनी स्क्वायर मीटर मीटर स्क्वायर बा वर्ग मीटर ठीक अच्छे तो यहाँ एमती थिला मु सेंटीमीटर जहाँ भी हो तो यहाँ 600 वर्ग मीटर है किंतु जेतेबेले मु याकु बढ़ई देली जेतेबेले याकु बढ़ई देली 40% 10 रो 40% केते होउछि ना 10 रो 40% होउछि 4 माने 40% बढ़ई देला पर ये केते हे गला 14 हे गला वर्तमान ये टिके बड़टा हे जीव ना नहीं एटा टिके बड़टा हे जीव आ प्रत्येक बाहुडा केते हे जीव 14 तो जेतेबेले 14 हे जीव मोर सरफेस एरिया केते बाहरिबो 14 हे गला परे सरफेस एरिया बाहरिबो 6 × 14 रो स्क्वायर तो 6 × 14 रो स्क्वायर रो आंसर आसीब 14 रो स्क्वायर होगा 256 तो यहाँ जदि आम करद 256 × 6 = 1176 आसीज के 1176 आगुरी थी 600 जिते बड़े 40% बढ़ीगला होगा 1176 अर्थात केते बढ़ला बढ़ला सामने 1176 -600 तो ये आसीगला के 576 तो 576 है मानने के परसेंट बढ़ला के परसेंट ना 576 विभक्त 600 ठीक अच्छे 576 विभक्त 600 × 100 तो यहाँ दीटा शून कटिगला तो ये आपणकर आंसर बाहरी जीव 96% बुझीपारे तो केते परसेंट बढ़ीगला 96% बढ़ीगला जोटा ऑप्शन नंबर सी रे यार आंसर दे ठीक अच्छे वर्तमान आम चार्टा क्वेश्चन ऑलरेडी कर सारी क्वेश्चन नंबर 5 बा सेटी क्वेश्चन नंबर 50 को आमे जीबा ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर 5 बा सेटी क्वेश्चन नंबर 50 को आमे सॉल्व करिबा कौन क्वेश्चन अच्छे आमे देखिबा 8टी घंटी एका सहित बाजे यथाक्रमे 2 3 4 5 6 8 10 एवं 12 सेकेंड व्यवधान रे बाजी थाए क्वेश्चन बुझंतु हाँ तापर कौन दे 30 मिनिट्रे से गुड़िक एकाठी केते थर बाजिब ठीक अच्छे एका थरे बाजे माने गोटे देखु केतटा घंटा घंटी अच्छी ना कहे 8टी घंटी अच्छी ठीक अच्छे 8टी घंटी अच्छी तो धरीनियंतु से प्रथम थर जोटा फास्ट थर बाजिगले से एका थरे बाजिगले वर्तमान टन 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 ये भाया 8टा जाक
ବାଜିଗଲେ, ଆଠଟା ଯାକ ଏକା ସହିତ ବାଜିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟିଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା, ଇଏ 2 ସେକେଣ୍ଡ, ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଇଏ 2 ସେକେଣ୍ଡରେ ଥରେ ବାଜେ। ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା 3 ସେକେଣ୍ଡରେ ଥରେ ବାଜେ। ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା 4 ସେକେଣ୍ଡରେ ଥରେ ବାଜେ। ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା ଇଏ 5 ସେକେଣ୍ଡରେ ଥରେ ବାଜେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା 6 ସେକେଣ୍ଡରେ ବାଜେ। ଏଇ ଗୋଟା ଆଉ କ'ଣ କରେ ନା 8 ସେକେଣ୍ଡରେ ବାଜେ। 6, 7 ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏଇଠି 8ରେ ବାଜିଲା। ତାପରେ ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା 10 ସେକେଣ୍ଡରେ ବାଜେ, ଆଉ ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା 12 ସେକେଣ୍ଡରେ ବାଜେ। ବୁଝିପାରିଲେ ମୋ କଥା? ବୁଝିପାରିଲେ ଇଏ କେମିତି କେମିତି ବାଜନ୍ତି? ଇଏ ଯେତେବେଳେ 2 ସେକେଣ୍ଡରେ ଥରେ ବାଜେ, ମାନେ ଆଉ 2 ସେକେଣ୍ଡରେ ଇଏ ଆଉ ଥରେ ବାଜିଲା, ଆଉ 2 ସେକେଣ୍ଡରେ ଆଉ ଥରେ ବାଜିଲା। ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ ଗ୍ୟାପ୍ ଛାଡ଼ୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ତ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ବି ଆଉ ଥରେ ବାଜିଲା, ଏଠି ବି ଛାଡ଼ିଲା, ଏଠି ବି ଛାଡ଼ିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ କାମ ହେଲା, ଇଏ 3 ସେକେଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିବ, 1, 2, 3, ଇଏ ଏଠି ବାଜିଲା, 1, 2, 3 ଏଠି ବାଜିଲା, 1, 2, 3 ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଆକ ଏଠି ଏକା ସହିତ ବାଜୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଆପଣ ଚିତ୍ର କରିବେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେ କେଉଁ ସମୟରେ ଏକାଥରେ ବାଜୁଛନ୍ତି, କେତେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଥରେ ସେ ଏକାଥରେ ବାଜୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏକାଥରେ ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ ବାଜିଥିଲେ ସେଇଭଳିଆ କେମିତି ବାଜିଲେ ଆପଣ ଚିତ୍ର କଲେ ବି ଜାଣିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କେତେ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିଦେଉଛି ନା, 8ଟା ଘଣ୍ଟି 2 ସେକେଣ୍ଡ, ତାପରେ 3 ସେକେଣ୍ଡ, 4 ସେକେଣ୍ଡ, 5 ସେକେଣ୍ଡ, 6 ସେକେଣ୍ଡ, 8 ସେକେଣ୍ଡ, 10 ସେକେଣ୍ଡ, 12 ସେକେଣ୍ଡ, ଠିକ୍ ଅଛି, 8ଟା ଘଣ୍ଟି ନା। ତ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେତେ ମିନିଟ୍ରେ ସେ ଏକା ସହିତ ଥରେ ବାଜୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା, ୟାର ଲସ୍ ଆଗକୁ କାଢ଼ିଦିଅନ୍ତୁ। ୟାର ଲସ୍ ଆଗକୁ ଯଦି ଆପଣ କାଢ଼ିବେ, ସପୋଜ୍ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା 2ରେ ହରୁଛନ୍ତି। ଯଦି 2ରେ ହରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଇଗଲା 1, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା 2, ଏଇଟା ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା 3, ଇଏ 4, ଇଏ 5, ଇଏ 6, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ ଥରେ 2ରେ ଯଦି କାଟିବା, ତ ଇଏ ତ 1, ଇଏ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା, ଇଏ 1, ଇଏ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା, ଇଏ 3 ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା, ଇଏ 2, ଇଏ ବି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା, ଇଏ ହେଇଗଲା 3। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା 3ରେ କାଟିବି, ମୋତେ ଅଧିକ 3 ଦେଖାଯାଉଛି, 1, 3, 3, 1 ଇଏ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା, 3, 3 ଇଏ 2 ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା, ଇଏ 5, ଇଏ 1, ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଉଛି 5, ତ 1, 1, 1, 1, 5×5 ଇଏ 1 ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା, 2 ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା, 5×5 ଇଏ 1, ତ ଏଠି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର 2 ବଳିଗଲା, ତ ମୋର ଲସ୍ ଆଗକୁ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଏଲ୍ସିଏମ୍ ହେଇଗଲା କେତେ, 2×2×3×5×2, ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ମୋର ଏଠି 120। ଏଇଟା କେତେ ଦେଇଥିଲା, 2 ସେକେଣ୍ଡ, 3 ସେକେଣ୍ଡ, ତ ଇଏ ହେଇଗଲା 120 ସେକେଣ୍ଡ। 120 ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ କେତେ, 2 ମିନିଟ, 120 ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ 2 ମିନିଟ, ଗୋଟେ ମିନିଟ 60 ସେକେଣ୍ଡ, ତ 2 ମିନିଟ 120 ସେକେଣ୍ଡ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଲସ୍ ଆଗକୁ ମୁଁ କାଢ଼ିଦେବି, ମାନେ ଲସ୍ ଆଗୁଟା କ'ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁଣିତକ କଢ଼ାଯାଏ, ତାପରେ ତା ଭିତରେ କମନ୍ କଢ଼ାଯାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏଠି 120 ସେକେଣ୍ଡ ମିଳିଲା, ମାନେ 120 ସେକେଣ୍ଡରେ ସବୁତକ ଏଠି 120, ଏଇଠି ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଇନି କି 2 ସେକେଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିଲା, ଏଠି 120 ସେକେଣ୍ଡରେ ଏମାନେ ଏକାଥରେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବାଜୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ ମୋ କଥା? ଯଦି ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର, କ'ଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ନା, ଆଚ୍ଛା ହଁ, ତ ଇଏ 2 ମିନିଟ, ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ନା, ଇଏ 30 ମିନିଟରେ କେତେ ଥର ଏକା ସହିତ ବାଜିବେ, ନା 2 ମିନିଟରେ ଏକା ସହିତ ବାଜୁଛନ୍ତି, ତ 30 ମିନିଟ/2 ମିନିଟ, 2 ମିନିଟ ମାନେ 15 ଟାଇମ୍ସ ମାନେ 15 ଥର ଏକାଥରେ ଏମାନେ ବାଜୁଛନ୍ତି, ମାନେ 30 ମିନିଟ ଭିତରେ 15 ଥର ଏମାନେ ଏକାଥରେ ବାଜୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଗଲା ଫାଷ୍ଟଟା, ଏ ଫାଷ୍ଟଟା ବି ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଫାଷ୍ଟଟା ବି ଆଡ଼୍ କରିବା, ତ 15+1=16 ମାନେ 16 ଥର, ତ ଆନ୍ସର୍ ଏଇଟା ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସିରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍ରେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଡି ଦେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛି, ଭୁଲ ଦେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବୁଝିପାରିଲେ ମୋର କେମିତି ହେଇଛି? ତାପରେ 51 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସେଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6କୁ ଆମେ ଯିବା, ତ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, 2ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ 13 ଲସାଗୁର 2ଟି ଗୁଣିତକ 3 ଆଉ 4, 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ,
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ମୋତେ ଜମାରୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ମୋତେ ଏଠି ଜମାରୁ ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତ ସେମାନଙ୍କର ଗସ୍ ଆଗୁ ମାନେ HCF ହାଇଏଷ୍ଟ କମନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଲା 13, ଆଉ ଲସ୍ ଆଗୁ ବି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଜଣା ନାହିଁ, ଲସ୍ ଆଗୁ ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲସ୍ ଆଗୁ କାଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଲସ୍ ଆଗୁ ଏଇଠି ସାଇଡ଼୍ରେ 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 କାଢ଼ନ୍ତି ନା, ତ ସେଇ ଲସ୍ ଆଗୁ ସେ ଦେଇଦେଇଛି କେତେ ନା, ତା'ର ଯେଉଁ ଏଇଠି ଗୁଣିତକ ବାହାରେ ସେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି 4, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି, ସରି ଗୋଟେ ଦେଇଛି 2, ଆଉ ଗୋଟେ ନା 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 ଗୋଟେ ଦେଇଛି 3, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି 4, ଏ ସାଇଡ଼୍ର ଦୁଇଟା ଗୁଣିତକ ସିଏ ଦେଇଦେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ହଁ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଏଇଟା ବୁଝିଯିବେ ଆରାମସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଏବେ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା 20 আর 24 ଗସ୍ ଆଗୁ କାଢ଼ିବି ଲସ୍ ଆଗୁ କାଢ଼ିବି, ଏଇଟା 2 କଟିବ ତ 2 କଟିଲେ 10, 2 କଟିଲେ 12, ଇଏ ବି 2 କଟିବ ଏଠି 5, ଇଏ 6 ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଏଠି କେତେ ପକାଇ ପାରିବି ନା, ଯଦି 6 ପକାଇଦେବି ତାହେଲେ ଆସିଯିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ହଁ ପକାଇ ଦେଉଛି 6 ହିଁ, ତ 6 ପକାଇଦେଲେ ଏଠି 1 ହେଇଗଲା, 5 ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା, ତ ଏଠି 5 ପକାଇଦେଲେ ଏଠି 1 ହେଇଗଲା, ଏଠି 1 ହେଇଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଏହାର HCF କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ, HCF ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟା ଯାକ କଟୁଛି, ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ 2 ଦ୍ୱାରା କଟୁଛି, ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ 2 ଦ୍ୱାରା କଟୁଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଦୁଇଟା ଯାକ କେଉଁଠି କଟୁନି, ତ HCF ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 2 × 4। କିନ୍ତୁ LCM ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ତ କେତେ ହେଲା, 2 × 4 5, 6, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 2 × 4 ମୁଁ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟଲି 4 ଲେଖିଦେଉଛି, ତାପରେ 6 × 5, 6 × 5, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 4 আর 6 ଯଦି ମୁଁ ଗୁଣିବି କେତେ ହେଇଯିବ 24, ଆଉ ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ସରି ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ 4 আর 5 ଗୁଣିବି ମାନେ ଯେଉଁ ଗସ୍ ଆଗୁଟାକୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆସିଥିଲା ନା ଗୁଣିତକ, ତା ସହିତ ଗୁଣିବି, ତ 4 × 6 = 24 ବାହାରିଲା, 4 × 5 = 20 ବାହାରିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ମୋତେ ଦୁଇଟା ଯାକ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିଗଲା ନା ମିଳିଗଲାନି, ମିଳିଗଲା। ତ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା ଯେ HCF ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଏତିକି, ଆଉ LCMର ଦୁଇଟା ଗୁଣିତକ ହେଉଛି 2 আর 3, 2 আর 3, ବୁଝିପାରିଲେ, ନାଇଁ ରେ ସରି 3 আর 4, 3 আর 4। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ କୁହାଗଲା ଯେ ଏ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ବାହାରିବ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟାର ଭିତରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଟା। ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାକୁଛି, ଲେଖନ୍ତୁ ଦ HCF ଅଫ୍ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ନମ୍ବର୍ସ ୱିଲ୍ ବି ଅଲୱେଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଫ୍ LCM। କ'ଣ ନା ଦ HCF ଅଫ୍ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ନମ୍ବର୍ସ ୱିଲ୍ ବି ଅଲୱେଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଫ୍ LCM, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ମାନେ ଯେଉଁ HCFଟା ନା LCM କାଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବାହାରେ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ, ମାନେ ଯେଉଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଲା ନା ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ତା ଭିତରୁ ଇଏ ହେଉଛି HCF ହେଉଛି ଜଣେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ ତ ଆପଣଙ୍କୁ HCF ଦେଇଦେଇଛି 13, ଆଉ ଏ LCMର ଦୁଇଟା ଗୁଣ ନିହକ ଦେଇଦେଇଛି 3 আর 4, ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା କେତେ ହେବ ନା, ଗୋଟେ ହେବ 13 × 4, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ 13 × 3, ତ 53 ଗୋଟେ, 33 × 39 ଗୋଟେ, ହେଲା ବୁଝିପାରିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା, ତ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ଯଦି ଏଇଟା ହେଲା ତାହେଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ନା 52, ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଲା ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଟିକେ ଅଲଗା ଧରଣର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼, ଇଏ ସିଟିରେ ତ ଇଜି ପଡ଼ୁଛି, ନହେଲେ ଅଲଗା ଗୁଡ଼ାକରେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆସେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 52 ଆମର, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7, 52 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା, କ'ଣ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର 3 কোণ 20°ର ସାମାନ୍ୟ ଅନ୍ତର ସହିତ ଏକ ଅଙ୍କଗାଣିତିକ ପ୍ରଗତିରେ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ କୋଣ କେଉଁଠି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଛୋଟ କୋଣ କେଉଁଠି, ଏଇଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 10ର ଆରିଥମେଟିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ୍ର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଏଠି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆରିଥମେଟିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 10 ଚାପ୍ଟର 3 ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଲଜେବ୍ରାର। ତ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ, କିଛି ବି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ, ମୁଁ ଏଠି ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ କଲି, ସେ ତ୍ରିଭୁଜର ଏଇ ଯେଉଁ 3 কোণ ଅଛି ନା, ଏ 3 কোণ
ସେ ଆରିଥମେଟିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଅଙ୍କଗାଣିତିକ ପ୍ରଗତିରେ ଅଛନ୍ତି। 20 ମାନେ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏ ହେଇଗଲା, ତ ଏଇଟା ଏ ପ୍ଲସ୍ 20, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ, ଏ ପ୍ଲସ୍ 20 ପ୍ଲସ୍ 20, ବୁଝିପାରିଲେ। ମାନେ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କହିଲି ଦ ଫାଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗେଲ, ଫାଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗେଲ ହେଲା ଲେଟ୍, ଫାଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗେଲ, ଫାଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗେଲ ହେଲା ଏ। ତାପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନଟା, ତ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଡି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ସେଇ ବହିର ଭାଷା ହିଁ ଲେଖୁଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରେସନଟା ଡି ହେଇଗଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗେଲଟା ଯଦି ଏ ହେଲା, ତ ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗେଲ କେତେ ହେଲା, ମାନେ ଡିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି 20, ମାନେ 20 ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗେଲ, ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗେଲ, ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗେଲ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଡି, ମାନେ ଏଇଟା ଯେତିକି ଥିଲା ତା ଦେହରୁ 20 ଅଧିକ। ତାପରେ ଥାର୍ଡ ଆଙ୍ଗେଲ, ଥାର୍ଡ ଆଙ୍ଗେଲ, ଥାର୍ଡ ଆଙ୍ଗେଲ କେତେ ନା, ଏ ପ୍ଲସ୍ ଡି, ଏ ପ୍ଲସ୍ ଡି ନା, ତ ଏଇଟା ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫାଲା ଏ, ତ ଏଇଟା ହେଲା ଏ ପ୍ଲସ୍ ଡି। ତାପରେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଡି ଆଉ ଥରେ 20 ବଢ଼ା ହେବ, ମାନେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଡି ପ୍ଲସ୍ ଡି, ମାନେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଏ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଡି, ଏ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଡି, ଡି ପ୍ଲସ୍ ଡି ଟୁ ଡି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ନା, ତିନିଟିରେ ଯାକ କୋଣ, ହଁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତିନିଟା ଯାକ କୋଣ 180 degrees। ତ ପ୍ରଥମ ଆଙ୍ଗେଲ, ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗେଲ କେଉଁଟା, ଏଇଠି ଲେଖିଲି ଏ ପ୍ଲସ୍ ଡି, ଥାର୍ଡ ଆଙ୍ଗେଲ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଡି, ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ଆଙ୍ଗେଲ ଲେଖିଲି ନା, ମାନେ ଏଇଟା ଯଦି ହେଲା ଏ, ତ ଏଇଟା ହେଲା ଏ ପ୍ଲସ୍ ଡି, ଏଇଟା ହେଲା ଏ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଡି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏ କେତେ ହେଲା, 3a ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଡି ପ୍ଲସ୍ ଡି କେତେ ହେଲା, 3d, କେତେ ହେଲା 3d, 3a ପ୍ଲସ୍ 3d, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି d ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କେତେ, 20। ତ ଏ ପ୍ଲସ୍ ସରି 3a ପ୍ଲସ୍ 3d କେତେ, d ମାନେ 20 ହେଲେ 60, 3a ପ୍ଲସ୍ 60, 20 ଇଣ୍ଟୁ 3 60 ହେଇଗଲା ନା, 180, ତିନିଟା ଯାକ କ'ଣ ନା, ଏଠି ମୁଁ 180 ବି ଲେଖିଦେଇପାରିଥାନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଠି 180 degrees ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 3a ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 180 ମାଇନସ୍ 60 ସମାନ 120 degrees, ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 120/3 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 40 degrees, ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 40 degrees। ପ୍ରଶ୍ନରେ କେଉଁ ଦେଇଥିଲା, ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ କ'ଣ କିଏ, ନା ଏଇଟା ଏ ନା, ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଏଇଟା ଦେଲା। ସେକେଣ୍ଡଟା କେତେ ହେବ, ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ହେଇଗଲା 40, ସେକେଣ୍ଡଟା କେତେ ହେଇଯିବ, 40 + 20 = 60। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କେତେ, 60 + 20 = 80, ତିନିଟା ଯାକ ମିଶନ୍ତୁ 180 ହେଇଯିବ। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା 40, ଯେଉଁଟା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 53, ଆମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8 ଚାଲନ୍ତୁ କରିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦ ପ୍ରଫିଟ, ଇଂଲିଶ କାହିଁ ପଢ଼ୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବି ନା, ଏ ପାଇଥିବା ଲାଭର ପରିମାଣ, ଏ ପାଇଥିବା ଲାଭର ପରିମାଣ, ଆରେ ୟାର, ବି ପାଇଥିବା ଲାଭ ତୁଳନାରେ 30% ଅଧିକ, ସି ପାଇଥିବା ଲାଭର ପରିମାଣ ବି ପାଇଥିବା ଲାଭ ତୁଳନାରେ 60% ଅଧିକ, ତାହେଲେ ଏ ର ଲାଭ ତୁଳନାରେ ସି ର ଲାଭ ହାରାହାରି କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ମାନେ ଏଠି ସବୁଠାରୁ, ମାନେ ବି ଠାରୁ ଏ ର ହେଲା 30% ଅଧିକ, ପୁଣି ବି ଠାରୁ ସି ର ହେଲା 60% ଅଧିକ। ମାନେ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ବି ର ହେଇଗଲା କେତେ ନା 100 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ ଇଆର ଯେଉଁ ଏ ର, ଇଆର 30% ଅଧିକ ନା, ତ 100 + 30 କେତେ ହେଇଗଲା, 130 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ସି ର ବି ତୁଳନାରେ, ସି ର ବି ତୁଳନାରେ 60% ଅଧିକ, ତାହେଲେ ଇଏ ହେଇଗଲା 160 ଟଙ୍କା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଇଏ 160 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ହଁ, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଯେ ଏ ର ଲାଭ ତୁଳନାରେ ଏ ଠାରୁ ସି ର କେତେ ଅଧିକ, ଏ ଠାରୁ ସି ର କେତେ ଅଧିକ ଲାଭ ପରସେଣ୍ଟ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟାକୁ 100 କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଏଇଟାକୁ 100 କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମନେ କରନ୍ତୁ, ମନେକର 130 ଟଙ୍କା ହେଲା 100%, 130 ଟଙ୍କା ହେଲା 100%, ତ 1 ଟଙ୍କା ହେଲା
100/130%। ठीक अच्छे तो 160 टंका हैला 100/130 गुणन 160 याकु जदि आपण सॉल्व करिवे आपण को आसी जे आंसर ना 123.07% बुझी परचंदी तो 160 हैला एतिक परसेंट बुझी परले ताले केते परसेंट एक्स्ट्रा हैला मु एटी कोन नै थिली 130 टा हैला 100% तो 160 टा केते परसेंट हैला 123% माने केते परसेंट अधिक हैला 23% अधिक 123-100 समाने 23% अधिक ऑप्शन नंबर ए रे यारो आंसर अछि बुझी पारले तो एठी हमहु 8 टा क्वेश्चन नु आमे सॉल्यूशन ऑलरेडी करि देले वर्तमान आमे जेबा क्वेश्चन नंबर 9 आड़ी की क्वेश्चन नंबर 9 आड़ को आमे जेबा सेटा को वर्तमान आमे सॉल्व करिबा ठीक अछि बक हमरो एठी सिटी क्वेश्चन नंबर आ जइबो 54 क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इजी एठी गोटे चित्र देई छी ए चित्रटा मो एठी आपन को बहुत फटाफट करी के देखौ छी अच्छा एटा ओडी लंबा कर दबा एठी अरे बाप रे केते बड़ा चित्र कर देले त वर्तमान एठी जोटा देई छी यार ना देई छी बी एम ए सी एटा हो छी 90 डिग्री आउ ए जो एंगलटा देई छी 90 डिग्री ठीक अछि प्रश्न रे देई छी जदी ए बी सी एटा जदी 55 डिग्री हुए ताहले एम ए सी माने ए जो एई एंगलटा केते हबो एई एंगलटा केते हबो बहुत इजी जदी एई एंगलटा 90 डिग्री हे गला ताहले आपण कोंतु एई एंगलटा भी 90 डिग्री हबो एटा भी 90 डिग्री हबो तो वर्तमान ए बी एम त्रिभुज को देखंतु त्रिभुज ए बी एम रे तो ए त्रिभुज ए बी एम रे ए तीनटा कोण ए तीनटा कोण माने एम कोण मिसाण बी कोण मिसाण ए कोण समाने 180 डिग्री ठीक अछि तो जदि मते एम हे गला 90 आउ बी हे गला 55 प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री मु पाई गली ताले मते कोहंतु ए इक्वल टू ए दीटा मिसी के आरो पट को पळेबो 180 रु ए दीटा जदि मु फेड़ी देबी ताले मते ए कोणटा मिलि जिवो केते डिग्री ना 35 डिग्री ए कोणटा मिलि जिवो 35 डिग्री ए कोण इक्वल टू 35 डिग्री 180 रु ए दीटा से पटने की फेड़ी देबी तो 35 डिग्री मिलि गला जदि एटा 35 डिग्री हैला आ ए टोटल डा केते 90 तो 90 माइनस 35 ठीक अछि टोटल डा 90 थिला माइनस 35 तो एठी आंसर हे जेबो मोर केते 55 डिग्री तो ऑप्शन नंबर सी रे यारो आंसर एठी अछि बुझी पारले नो डाउट वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 55 सिटी क्वेश्चन नंबर 10 रे हमें एठी सॉल्व करूचंदी ठीक अछि तो कोन अछि देखिबा सिटी क्वेश्चन नंबर 10 हमें एठी सॉल्व करूचंदी ओके 55 नंबर क्वेश्चन कोडे गलु बाबा जल्दी पळेया कोन अछि क्वेश्चन ना जदी जदी 4/3 × x माने एठी डायरेक्टली 4x माइनस 5 इज ग्रेटर देन x माइनस 2 हुए ताहले x मूल्य केते x केते ऑप्शन दे दे जेठी ऑप्शन देखि के सॉल्यूशन बाहरिबो खासु जे किंतु कोरोना आइनी डी x इक्वल्स टू 9 x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 x इज ग्रेटर देन 9 x इज लेस देन 9 गोटे गोटे करी सॉल्व करीबी देखंतु मु जदि x इक्वल्स टू 9 नै जेबी x इक्वल्स टू 9 नै जेबी ताले मते वर्तमान एई पटटा केते हे जेबो x माइनस 2 माने 9 माइनस 2 हे जेबो 7 अच्छा एडी ग्रेटर देन चिन्ह एई जगह रे मु केते पकेबी 9 9 चौक 36 9 चौक 36 36 बाय 3 12 12 रु 5 गले केते 12 रु 5 गले 7 एठी होउछि कि भूल हे जाउछि ना एठी कोन 7 इक्वल टू 7 होबा कथा ग्रेटर देन होउछि एठी होउनी
तो वर्तमान से भाया ग्रेटर दैन इक्वाल्स टू देखी हाँ सरी इक्वाल्स टू भूल है ग्रेटर दैन इक्वाल्स टू इक्वाल्स टू दे मानते ये भी कैनसल होगा कारण इक्वाल्स टू मानने से न ही पकेवाक पड़ो बाध्य हमन तो ये भी पूरा कैनसल बर्तमान यही देखीद जदि मु नौ अधिक ने नौ एक्स रान नौ अधिक मान मु दस नहीं गली तो चार गुणन दस के चालीस चालीस विभक्त तीन चालीस विभक्त तीन माइनस पाँच तो चालीस विभक्त तीन माइनस पाँच ग्रेटर दैन एटा दस नहीं थी ना दस रु दुई गले आठ तो यहाँ जदि मोर आठ ठारू बड़ आसला ना तो मोर एटा ठीक हो देखी दिंतु मुझे काढ़ुच चालीस विभक्त तीन माइनस पाँच इज इक्वल्स टू 8.33 आसीगला केते आसीगला ना 8.33 एठी एपटे आठ तो आंसर ठीक अच्छे मोर ठीक अच्छे तो यहाँ भी आपन निजे करेंगे देखिए यहाँ भूल बाहर तो आंसर होची ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही जवाब ठीक अच्छे तो वर्तमान आम जा क्वेश्चन नंबर 56 तो क्वेश्चन नंबर 56 बामर सिटी आमर क्वेश्चन नंबर 11 56 नंबर क्वेश्चन में आमर कौन अच्छी ना जदि ए इक्वाल्स टू 3 बी इक्वाल्स टू माइनस 5 एक्स इक्वाल्स टू 6 वाई इक्वाल्स टू 12 आउ जेड इक्वाल्स टू माइनस आठ हुए तेबे 6y इंटु जेड हरण y प्लस 3ab केते हब आंसर तो एटा 6y माने केते वाई वैल्यू के मैंने सिक्स गुणन वाई इंटु बार इंटु जेड्र भैल्यू के जेड्र भैल्यू अच्छी जेड्र भैल्यू के माइनस आठ हरण तापर वाई के वाई अच्छी बार ठीक अच्छे प्लस थ्री ए बी थ्री गुणन तीन गुणन बी है माइनस पाँच तो या जदि आप बारश बास्तरी ठीक अच्छे ये कतला बारशक बास्तरी गुणन माइनस आठ बाई बार माइनस आठ विभक्त बार ओके देन प्लस तीन गुणन माइनस पाँच तो ये कत तीन तरीके नौ तीन तारीख नौ नौ पंचा पैंचाश तो प्लस माइनस माइनस पैंचाश ठीक हो तो या जदि आप सल्यूसन करेंगे तो आपणकर आंसर आसीज माइनस नाइंटी थ्री आस तो माइनस नाइंटी थ्री ऑप्शन नंबर ए रे अच्छी तो ऑप्शन नंबर ए हो रो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 57 आम करवा क्वेश्चन नंबर 12 ठीक अच्छे से क्वेश्चन नंबर 12 57 कौन दे बहुत सहज जिनस निम्नलिखित मध्य क्योंटी क्रमिक ह्रास धारा अच्छी माने ह्रास माने डिसेंडिंग ऑर्डर बड़ू सान ठीक अच्छे कौन दे से अनुपातटा ना वन अनुपात पाँच कमा दुई अनुपात तीन कमा तीन अनुपात चार कमा पाँच अनुपात छ ठीक अच्छे एटा को आपण सजेकि लिखिबे केमिति ना आपण को एठी कोन करियार अछि ना बड़ सान क्रम सजेबार अछि तो ताकु आपण लिखिया पई निहाती भाबरे एठी लिखि दियौ एक विभक्त पाँच दुई विभक्त तीन दुई इंटु तीन को तीन विभक्त चार पाँच विभक्त छ याकु कला परे आपण ए हर माने याकु सम हर कर दियौ माने चारिटा जाक भग्नांशर हर समान कर दवा पई पाँच तीन चार छ यार लॉस आगु नहीं जिबे जदि यार लॉस आगु नहीं जिबे तो आपण को मिल जिवो केते ना 60 एलसीएम एठी हे जिवो 60 लॉस आगु नहीं कि देखो तो 60 तो एठी आपण को हर 60 करियार अछि तो एठी ऊपर जहा गुणिबे तळे से आ गुणिबे 5 रे केते गुणिले 60 हबो ना 12 गुणिले 60 हबो ऊपर ए 12 तो 12 बाय 60 तो एठी केते हे जिवो एठी गुणन करिवे केते ना 20 एठी भी 20 तो ये गला चालीस विभक्त षाठी एटी गुणन करेंगे पंदर एटी ये गला पैंचाश विभक्त षाठी एटी गला
ए छुओ एठी हेगला दस एठी हेगला दस ये हेगला पचास विभक्त षाठिए तो सबुठ बड़ किए आसा ना यहाँ ताठू बड़ ताठू सान यटा ताठू सान यटा ताठू सान यटा तो जदि आम सजेक लिखा जदि एम को सजेक लिखा तेल कौन हम यार आंसर ताले यहाँ हो पाँच विभक्त छ मानने इज ग्रेटर दैन तीन विभक्त चारि इज ग्रेटर दैन दुई विभक्त तीन ग्रेटर दैन एक विभक्त पाँच तो फाइव इज टू सिक्स इज ग्रेटर दैन थ्री इज टू फोर इज ग्रेटर दैन टू इज टू थ्री इज ग्रेटर दैन वन इज टू फाइव ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर यार आंसर अच्छी ऑप्शन नंबर सी रे ठीक अच्छे तो यहाँ हो गला राइट आंसर ठीक अच्छे नेक्स्ट 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 हूँ क्वेश्चन नंबर 58 बा सिटी क्वेश्चन नंबर के बार ना बार सरी गला तेर सिटी क्वेश्चन नंबर 13 आम करवा बा क्वेश्चन नंबर 58 करवा जो 58 क्वेश्चन कौन अच्छी ना 16.01 रो होल स्क्वायर प्लस रूट ओवर ऑफ 64.003 इंटू 12 तो एटा को सॉल्व करंतु आपनकर आंसर केते बाहरिबो आपन डायरेक्टली एटा को भग्नांशरे परिणत करिकि स्क्वायर करंतु तो एटा केते हे दिबो 1601 विभक्त 100 रो होल स्क्वायर प्लस एटा हे दिबो रूट ओवर ऑफ एटा को भी भग्नांश करि दियंतु 003 अछि ना तो 64 तीनटा जीरो न दुईटा जीरो 003 डिवाइड बाय तीनटा संख्या अच्छी माने हजार गुणन बार या सॉल्व करेंगे तो आपणकर आंसर आसीज के सॉल्व करूँ आउ टाइम बहुत माने बहुत लंबा हो गला वीडियो तेणुक निजे सॉल्व कर दिंतु मो ट्रिक कही तो आपण को आंसर आसीज ऑप्शन नंबर बी 352 352 आंसर आसीज ऑप्शन नंबर बी रे ठीक अच्छे तापर क्वेश्चन नंबर 14 बा 59 नंबर सिटी क्वेश्चन रे आसीबो कौन अच्छी सिटी क्वेश्चन 59 रे आसीबो कौन आसीबो देखंतु तीन जन सांग अछंती हाँ तो ये तीन जन सांग अछंती इंग्लिश रे क्वेश्चन पढ़ुँ मत इजी लगुच तो ए बी आउ सी से तीन जन निजर प्रॉफिट को डिवाइड कले ठीक अच्छे प्रॉफिट ऑफ 2560 टोटल प्रॉफिट केते थिला टोटल प्रॉफिट थिला 2560 टंका तो तीन जन सांग थिले ए बी आउ सी जदि 15-20 25 रिमूव्ड माने ये जेतिकी प्रॉफिट नेला या देहरु 15 टंका कटा हेगला ये जेतिकी प्रॉफिट नेला 20 टंका कटा हेगला ये जेतिकी प्रॉफिट नेला सेथिरे 25 टंका कटा हेगला ताहाले तार जो रेशियोटा हेला तार जो रेशियोटा आसीला प्रॉफिट नबार रेशियोटा आसीगला 5:8:12 तेबे वर्तमान ए केते टंका प्रॉफिट पाइला अच्छा ये जो रेशियोटा को आम के करवा ना गोटे धरनी ए प्रॉफिट पाइला 5x टंका तार कटा है केते टंका कटा हेला केते टंका ना 15 टंका बी प्रॉफिट पाइला माने 8x तार कटा है 20 टंका सी प्रॉफिट पाइला 12x प्लस कटा है 25 टंका तीन जनकर प्रॉफिट मिसेगी 2560 टंका ठीक अच्छे तो 5x प्लस 15 प्लस तीन जन प्रॉफिट मुझे मिसाऊँ 8x प्लस 20 प्लस 12x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 2560 तो यहाँ जो 5×8=13 13 प्लस 12 के 25x इज इक्वल्स टू यहाँ सब मिसाइले 60 मुझे सेपट को नहीं गले 2560 माइनस 60 होगा तो यहाँ होगा 2500 तो एक्स होगा 2500 विभक्त 25 समान 100 टंका एक्स होगा 100 टंका ताले ए केते टंका प्रॉफिट पाइला तो ए केते टंका पाइला 5x माने
फाइव गुणन एक्स के शहे प्लस पंदर तो पाँचश प्लस पंदर सामान पाँच पंदर टंका से प्रॉफिट पाई ऑप्शन नंबर सी रे यार आंसर अच्छी ठीक अच्छे। तो आम करवा लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर पंदर बासिटी क्वेश्चन नंबर षाठी एटी अच्छी तो कौन अच्छी देखा कौन अच्छी देखा ना ये दे अनिल दुई प्रकार पाउडर किणला दी प्रकार पाउडर किणला गोटे पाउडर रो होची रुपीज पाँच पांच टंका प्रति किलो आउ गोटे पाउडर रो रुपीज छ प्रति किलो ठीक अच्छे। तो से कौन कला जिते बड़े दीटा को पाउडर को से मिक्स कला से गोटे मिश्रण प्रस्तुत कला से मिश्रण को से कौन कला ना किलो सात टंका माने रुपीज सेवेन पर केजी रे से बिकिला रुपीज सेवेन पर केजी रे बिकिला आ बिकी तार 20% प्रॉफिट हैला 20% प्रॉफिट हैला ठीक हैला 20% प्रॉफिट हैला ताहले रे मिश्रण रो अनुपात कौन थिला रेशियो ऑफ मिक्सचर आपन को काढ़ीबार अच्छी। तो जो रेशियो ऑफ मिक्सचर काढ़ीबे प्रथमे आपन कोन करंतु ना एठी जोटा अच्छी एटी जो रेशियो ऑफ मिक्सचर काढ़े तो आप प्रथम कौन करूँ ना ये से बिकी के तार सेलिंग प्राइस थिला सात टंका पर केजी सात टंका पर केजी थिला किंतु से केते टंका रे किनी थिला तार प्रॉफिट है थिला केते प्रॉफिट है थिला 20% ताले सीपी कॉस्ट प्राइस केते टंका रे से किनी थिला सेटा को बाहर करिबा को हमको पड़िबो। तो आपण गोटे फॉर्मूला नोट करंतु जदि आपण को पाखरे सेलिंग प्राइस अछि आ प्रॉफिट अछि ताले आपण मु जोटा पुरुणा फॉर्मूला मो पुरुणा वीडियो देखिले आपण सेटा माने स्टेप बाय स्टेप जाई छी आ एठी मो गोटे फॉर्मूला दो छी तो सीपी इज इक्वल्स टू 100 इनटू एसपी डिवाइडेड बाय माने 100 इनटू बिक्री मूल्य एवं एठी तळे हे जेबो 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हबो ठीक अछि। तो 100 इनटू एसपी हला केते टंका सेलिंग प्राइस 7 एठी हेगला 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हला 20 माने ये हेगला 700 बाय 120 तो याको जदी आपण काटी देबे आपण को मिलि जइबो एठी एठी गोटे गोटे सोन काटंतु तो एटा केते हे जइबो जो दुई रे काटिले दीटा आको 35 विभक्त 6 ओके ठीक है। तो है गला 35 विभक्त 6 बाहरिला बा एटा को जते बेले एटी कैलकुलेशन बहुत लेंदी हबो तो तथापि आमे ट्राई करिबा पई कोन करिबा हां तो एटी बाहरला 35 विभक्त 6 ता परे जो नुआ मिक्सचर रेशियो न्यू मिक्सचर रेशियो जदि बाहर करिवा ना तो आपण कोन करंतु एटा को ना 60 जो सॉरी केते टका थिला सेटा 6 टका थिला सेटा केते टका थिला ना गोटा कर थिला केते टका 6 टका तो 6 रु आपण ए 35 विभक्त 6 टा को फेडाण करंतु ठीक अछि। तो एठी आपण को केते मिलिबो पैंतीस विभक्त छठी आपण को कते मिल ना ये लस आगे छ छोक छत्तीस छत्तीस माइनस पैंतीस होगा के एक विभक्त छ ठीक अच्छे। नेक्स्ट आउ गोटे के पाँच थी तो आपण ये कौन करूँ ना पाँच माइनस यहाँ सेपटे करा कथा कारण ये बड़ हो पैंतीस विभक्त छ फेड़ाण पाँच करूँ तो ये आप लस आगे आसीगला छि आस पैंतीस छः पंचा तीस तो ये आसीगला पाँच विभक्त छ तो ये रेसीोटा आसे ना 1/6 डिवाइडेड बाय 5/6 सिक्स सिक्स कैनसल तो ये रही 1:5 1:5 के मुझे बड़ बड़ लगे 1:5 है आमर आंसर ठीक अच्छे। जदि कौटी डाउट है मत पचारिपारती कमेंट बक्स यार आंसर होचे ऑप्शन नंबर बी। तो बस आज ये 15 क्वेश्चन 2019 रे सॉल्व कले
तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक माय वीडियो एंड कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट. कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन फॉर यू एंड मेक श्योर यू हिट दैट फैट रेड सब्सक्राइब बटन. सो हैव ए गुड डे.